अल्हम्दुलिल्लाह 21 सालों से ये खिदमत आल मालिका ब्लड डोनर ग्रुप के जेर एहतमाम हो रही है। मरहूम इस्लाम लीडर इसकी बुनियाद रखे थे और हमारे रोड के मसरी अखबार रोड के तमाम ही साथी और ग्रुप के लोग और गांव के भी तमाम ही ग्रुप हम लोगों के साथ रहकर ये काम करते हैं। ये गोश्त किधर पहुंचाते हैं आप लोग? ये आल मालिका ब्लड डोनर ग्रुप जैसे कि एक ब्लड डोनर ग्रुप है तो इससे मुंसलिक तकरीबन हर गांव के हर हिस्से में ब्लड डोनर ग्रुप जो है सोशल ग्रुप जो है हम लोगों के कॉन्टेक्ट जो है और हमारे जो ताल्लुकात के साथी बिराती है इनके भी कॉन्टेक्ट जो है किनारे बस्तियों में दूर दराज एरियो में और हत्या कि हम लोग खेड़े पे भी भेजते थे लेकिन अभी खेड़ों पे हम लोग कम कर दिए हैं क्योंकि गांव बड़ा हो गया है इसलिए गांव के हर किनारे एरिया के अंदर किसी न किसी से हम लोग ये तकसीम करते हैं और कॉन्टेक्ट करके भेजते हैं। गोश्त तो यहाँ पर लोग ला कर देते हैं कि आप लोगों को जाना पड़ता है लोगों के पास? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर जो है लोग ला कर देते हैं और जिनका फोन आता है तो हम उनके घर तक के जहाँ हमको बुलाते हैं वहाँ से हम लोग लेकर आते हैं। हम तो यही अपील करेंगे शहरियान से कि यार हम मंडप जो लगा कर बैठे हैं तो आप लोग ही किनारे दूर दराज एरियो में खुद कुर्बानी का गोश्त गरीब मुस्तहिक जहाँ तक के हर मुसलमान तक पहुँचा दें तो हम लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़े। आल मालिका ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से तमाम ही गोश्त लाने वाले हजरात हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को खिदमत का मौका देते हैं और जो लोग आज तक यहाँ तक पहुँच नहीं सके और वो गोश्त तकसीम कर नहीं पाते हैं तो वो हमारे तक पहुँचे इंशाल्लाह हम लोग वो भी गोश्त तकसीम करेंगे और तमाम लोगों का फिर से हम आप लोगों का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जैसे कुर्बानी का जो फरमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि आप अपने जानवर के गोश्त में तीन हिस्सा करो, एक हिस्सा अपने अहले अहवाल के लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और जो तीसरा हिस्सा रहता है वो गरीब और गुरबा के लिए। तो मालेगांव शहर जो अपने हाईवे से लगकर आसपास की झुपड़पट्टी एरिया है और दूर दराज का एरिया पड़ता है वहाँ तक के रोज अपने जो जिनके घर कुर्बानी होती है वो खास तौर पर पहुँचा नहीं पाते तो हम ये खिदमत हम अपने पहले गरीब बस्ती के लिए पेश करते हैं वहाँ जाकर उनके घर तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके घर कुर्बानी होती है ऐसे साहब ऐसे लोग भी हमारे यहाँ गोश्त ला कर भी देते हैं। बाद दफ़ा वो फोन भी कर देते हैं कि भाई फला जगह आकर आप वहाँ से गोश्त उठा लो फिर हम वहाँ से जाकर हमारे जो लोग हैं दोस्त लोग हैं अहबाब गोश्त वहाँ से जाकर लेकर भी आते हैं और ये सिलसिला काफ़ी 21 साल से लगभग चालू है और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी खिदमत सहलियान के लिए रहेगी।